Hello students, myself Sanjay Gandhi, qualification B.Tech and total teaching experience around 15 years. I am a physics faculty and लगभग सभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने वर्क किया है. लगभग 5 to 6 ईयर में कैरियर पॉइंट के साथ रहा. उससे पहले मैंने 3 या 4 साल नारायणा को दिए और उससे पहले 2-3 साल मैंने श्री चैतन्य में वर्क किया. अपने कैरियर में मैंने लगभग 15,000 के आसपास, मोर देन 15,000 आप कह सकते हो, स्टूडेंट को मैंने कोचिंग दिया है. इस दौरान मैंने सभी तरह के स्टूडेंट्स को, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, सब तरह के स्टूडेंट्स को मैंने डील किया है और बहुत अच्छी रैंक्स भी प्रोड्यूस करी हैं उन स्टूडेंट्स ने. प्रॉपर मैं कोटा को ही बिलोंग करता हूँ. मेरा बर्थ प्लेस भी क्या है, कोटा ही है. एक्चुअली फैकल्टी कैसे बना, इसके लिए 2-3 मेरे रीज़न थे. हर साल मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा आता है, कोचिंग लेता है. हमने भी अपने टाइम पे कोचिंग लिया और हमारे फैकल्टीज़ ने, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत एफर्ट किया और उसी का ही जो रिज़ल्ट था ये कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिला, बीटेक कंप्लीट किया. तो हम हमारे फैकल्टीज़ को बाय हार्ट रेस्पेक्ट देते थे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे कि सर आपने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया. तब एक बार स्ट्राइक कराया कि इतना रेस्पेक्ट मिलता है फैकल्टी को और बाय हार्ट हम रेस्पेक्ट करते हैं, तो क्यों ना मुझे भी इस लाइन को चूज़ करूँ मैं. दूसरा रीज़न तो बहुत सीधा सा था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता था, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था. अगर मैं कुछ भी और मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करता तो मेरे को कोटा को डेफिनेटली छोड़ना पड़ता, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था. और मुझे नहीं लगता कि कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री से अच्छा कोई भी एक प्रोफेशन हो सकता है. ठीक है, एक और बात ये कि जब कॉलेज लाइफ में थे तो फ्रेंड्स नॉर्मली ये कहते थे, यार गांधी, कि यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी गुड मैनर. तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा देता है और सामने वाला तेरे से कन्विंस भी हो जाता है, एंड यू आर द मास्टर पीस. तो जब उसने मास्टर बोला ना, तो मास्टर का मतलब मैंने लगाया फैकल्टी. तो मुझे लगा कि नहीं, फैकल्टी मैं बन सकता हूँ. फिर हेयर एंड देयर मेहनत किए, बहुत अच्छे से जो है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी और फाइनली एक फैकल्टी बन गया और बहुत प्यार पाया मैंने, बहुत रेस्पेक्ट पाया बच्चों का और रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए. ऑनलाइन आने का रीज़न बहुत सिंपल सा था. इसके 2 कारण थे. एक तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिलना था और दूसरा बच्चों की तरफ से बेनिफिट था. कैसे, एक्चुअली अभी मैं टीचिंग करा रहा हूँ, बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ टीचिंग कराता हूँ, बहुत बढ़िया बच्चों से रेस्पेक्ट मिलता है और एक क्वालिटी टीचिंग मैं दे पा रहा हूँ. लेकिन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. मान लीजिए आज से 30 ईयर के बाद मैं बच्चों को अपनी सर्विस देना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. ये सभी के लिए है. या मैं सोचूं कि नेक्स्ट जनरेशन भी मेरे लेक्चर अटेंड करें तो नॉट पॉसिबल. लेकिन ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि मेरे लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं तो वो बच्चा किसी भी टाइम कभी भी अटेंड कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन भी मेरी सर्विस को अटेंड कर सकती है. दूसरा बेनिफिट ऑनलाइन से ये है कि आजकल हर चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, सारा डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है. कोई बच्चा मोबाइल पे भी लेक्चर अटेंड करना चाहे तो अटेंड कर सकता है, अपने लैपटॉप है तो उस पर अटेंड कर सकता है. किसी बच्चे को टाइम का क्राइसिस है, मान लीजिए वो दिल्ली बैठा हुआ है और उसको टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कोटा आने के लिए, तो दिल्ली में लेक्चर अटेंड कर सकता है. कोई बच्चा एग्ज़ाम में जा रहा है, ट्रेन से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, ट्रेन में या बस में जस्ट उसने अपना इंटरनेट ऑन किया और वो लेक्चर अटेंड कर सकता है. तो कॉम्पेटिबिलिटी बहुत है कि बच्चा बहुत ईजी वे में बहुत ही फील फ्री करता है कि कभी भी मैं सर्विस को गेन कर सकता हूँ. दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन. एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप मेरे लेक्चर को अटेंड करें. मैंने मेरे लेक्चर में इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि कोई बच्चा जिसको बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं आता, अगर वो भी बच्चा अटेंड करेगा तो उसको बिल्कुल बेसिक से मैंने लेवल बढ़ाया है. हर प्रोफाइल का क्वेश्चन डिस्कस किया है, चाहे वो बिलो एवरेज प्रोफाइल हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बहुत अच्छी हो. पहली चीज कि कोई बच्चा बिल्कुल डीमोटिवेट है तो डेफिनेटली लेक्चर अटेंड करने के बाद उसको मोटिवेशन आ जाएगा. सेकेंड चीज कि किसी बच्चे को लगता है, नहीं सर मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, मेरे को सब्जेक्ट भी पूरा आता है, जस्ट मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना है जिससे मेरी रैंक बन जाए. तो मैंने ये भी ध्यान रखा है कि रैंक कैसे बनाई जाए, कितने क्वालिटी क्वेश्चंस मेरे को देने हैं,
कि बच्चे को उससे 100% रिजल्ट मिले। तो मैंने अपने लेक्चर में ध्यान रखा है कि लेवल को बिल्कुल बेसिक से उठा के टॉप तक लेके गया हूँ, ताकि उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी अगर अटेंड करता है तो उसको 100% रिजल्ट मिले। ठीक है, और बहुत मेहनत करी है मैंने अपने लेक्चर्स में, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लगेंगे। हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा है, अपना 100% दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, हार्डवर्क सब बच्चे करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, नॉलेज भी सब में होती है, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कॉम्पिटिशन की, कॉम्पिटिशन में आपको हार्डवर्क आपकी नॉलेज से ऊपर एक दो पॉइंट्स और ध्यान रखने। सबसे मेजर फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट रिविज़न के टाइम हो, चाहे पेपर अटैम्प्ट के टाइम हो। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो सब चीज़ें गलत हो जाएंगी हमारे लिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है किस यूनिट को हमें कितना टाइम देना है, पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल जीरो लेवल क्वेश्चन था उसको हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो इसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन आगे किसी और फॉर्म में होगा। तो टाइम मैनेज करते हुए पेपर अटैम्प्ट करें। सेकेंड चीज कि टाइम की कैलकुलेशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए आपको। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, आप कभी भी क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, इंडियन टीम जो है बैटिंग कर रही है या चेस कर रही है, तो सभी प्लेयर को एक कैलकुलेशन दिमाग में होती है कि यार इस बॉलर को हिट करना है, इसको डिफेंसिव मोड में चलना है। डिफेंसिव मतलब आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल ऊपर जा रहा है तो छोड़ दो उसको, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, टाइम भी खराब होगा। तो जैसे अपन क्रिकेट में समझते हैं ना कि हर चीज़ कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ती है, तो उसी चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। एक और छोटी सी चीज़ ये कि हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, हर तरह से पॉजिटिव रहो। कभी अगर अपने मार्क्स नहीं आ रहे तो हमें वर्कआउट करना है क्यों नहीं आ रहे, इसका रीज़न क्या है, और अच्छे से अपना 100% देने की कोशिश करनी है। तो सोच को अपनी पॉजिटिव बनाओ। एक्चुअली मैं मैसेज इतना सा देना चाहूँगा बच्चों कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा अच्छा सोचो और बिल्कुल पॉजिटिव वे में अपनी थिंकिंग को बनाए रखो। एक छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग का, एक हाइप क्या होता है। एक बार एक कंपनी के 3 एम्प्लॉई को एक टास्क दिया जाता है, उनको MD बोलते हैं कि आपको ग्राउंड में जाना है, और जब तक उजाला रहता है, जब तक रोशनी रहती है ग्राउंड में, आपको वर्क करते रहना है, और आप जब तक वर्क करते रहोगे आपको पर आर के हिसाब से 1 लाख का प्राइज मिलता रहेगा। तीनों एम्प्लॉई जाते हैं, वर्क करते हैं तीनों। थोड़ी देर बाद अराउंड 6:30 के आसपास थोड़ा सा उजाला कम होता है, अंधेरा हो जाता है फाइनली, तो 2 एम्प्लॉई चले जाते हैं, बट वो एक एम्प्लॉई और बैठा रहता है वहाँ पर और वर्क करता रहता है, अपने वर्क को कंटिन्यू रखता है। MD साहब आते हैं, पूछते हैं कि यार आपको बोला गया था जब तक उजाला होगा वर्क करना है, आपको पैसा मिलेगा, आप अभी भी कर रहे हो। कहता सर, उस एम्प्लॉई का ये वर्ड थे कि सर सूरज डूब गया तो क्या होगा, तारे तो अभी आना बाकी हैं, रोशनी तो तारों से भी होती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। सब कुछ गंवाने के बाद भी आपकी लाइफ में एक बार फिर से ब्राइटनेस आएगी, और यही मानते हुए अपन को अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है। थैंक यू।